हेलो फ्रेंड्स, मैं निखिल कुमार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी ई पाठशाला में। सीजीपीएससी ई पाठशाला में आज का हमारा टॉपिक है छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20, जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं अध्याय 13 नगरी विकास पर। ध्यान समझते हुए चलिएगा, अध्याय 13 नगरी विकास, जिसमें सबसे पहले नंबर पर है आपकी छत्तीसगढ़ की जनसंख्या। हमारे छत्तीसगढ़ की जनसंख्या है आपका 2.55 करोड़, यानी कि 2,55,00,000 आबादी हमारे छत्तीसगढ़ में निवास करती है। जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार हमारे छत्तीसगढ़ की कुल आबादी कितनी है, 2.55 करोड़। ठीक, देखिए इस 2,55,00,000 आबादी में से आपके 59.36 लाख आबादी जो है ये शहरों में निवास करती है। 59.36 लाख आबादी जो है ये आपके शहरी क्षेत्रों में निवास करती है, जो कि छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या का 23.24% है। लास्ट वीडियो में मेरे से यही वाला मिस्टेक हुआ था, जो आपका अध्याय 12 था ग्रामीण विकास एवं रोजगार, उसमें मैंने ग्रामीण आबादी में जो है ये शहरी आबादी के आंकड़े बता दिए थे। वैसे तो उस वीडियो को मैंने करेक्ट कर दिया था, उस वीडियो का शुरू का पोर्शन मैंने कट करके उसमें आपके एक करेक्शन वीडियो अटैच कर दिया था। ठीक, और वो मेरे से गलती हुई थी और बहुत मेजर मिस्टेक था, और ये देखिए वो मिस्टेक आपसे होना नहीं चाहिए, इसलिए मैंने वो वीडियो के उस पोर्शन को उसमें कट कर दिया है और एक करेक्शन वीडियो उसमें अटैच कर दिया था। ठीक, तो और ये परसेंटेज ऐसा है जिससे आपके पीएससी और व्यापम बार बार आपके क्वेश्चन उठाते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान से इस परसेंटेज को याद रखिएगा। देखिए छत्तीसगढ़ की कुल आबादी है आपके 2.55 करोड़, इस आपके 2.55 करोड़ आबादी में से 59.36 लाख जो आपकी पॉपुलेशन है, जो आपकी आबादी है, वो निवास करती है आपके शहरी क्षेत्रों में। ठीक, तो छत्तीसगढ़ में जो आपके कुल 23.24% आबादी जो है ये आपके शहरों में निवास करती है। ठीक, देखिए एक प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि प्रदेश में सबसे तीव्र शहरीकरण वाला पेटी कौन सा है। पेटी मतलब क्षेत्र। देखिए जो आपका रायपुर जिला है, और रायपुर से लगा हुआ जो दुर्ग जिला है, दुर्ग जिले का आपका भिलाई वाला एरिया, रायपुर भिलाई की पेटी ऐसी है, यानी कि रायपुर भिलाई का क्षेत्र ऐसा है जहां पर आपके सबसे तीव्र शहरीकरण दर्ज किया गया है। इंपॉर्टेंट है, मुख्य बिंदु में ये आपका दिया गया है और ये प्रश्न बन सकता है। प्रश्न पूछा जाएगा कि प्रदेश के किस क्षेत्र में या किस पेटी में सर्वाधिक जो है या तीव्र आपका शहरीकरण दर्ज किया गया है, तो वो है आपके रायपुर भिलाई पेटी में। ठीक है, रायपुर भिलाई पेटी में जो है सर्वाधिक आपका जो है तीव्र शहरीकरण दर्ज किया गया है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, अब कुछ आपके शहरों से संबंधित कुछ आपकी योजनाएं हैं, नगरों से संबंधित। हम पढ़ क्या रहे हैं, नगरीय विकास, तो इसमें जितनी भी योजना पढ़ेंगे वो सभी के सभी आपके नगरों से संबंधित होगी। एक है आपकी केंद्र सरकार की योजना और दूसरी है आपकी राज्य सरकार की योजना, और दोनों की दोनों जो योजना है ये रोजगार से संबंधित है। केंद्र सरकार की योजना है जिसका नाम है राजीव गांधी स्वावलंबन योजना, और राज्य सरकार की जो योजना है उसका नाम है आपका मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना। ठीक, देखिए जो आपका राजीव गांधी स्वावलंबन योजना है, इसमें असंगठित क्षेत्र, असंगठित रूप से जो आपके गुमटी ठेले फेरी लगा करके अपने जीविकोपार्जन करने वाले जो परिवार है, उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान किया जाएगा इस राजीव गांधी स्वावलंबन योजना के अंतर्गत। असंगठित क्षेत्र यानी कि जो आपके ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, असंगठित रूप से अपना जो है जीविकोपार्जन करते हैं, यानी कि जो गुमटी ठेले में अपना सामान लेकर के बेचते हैं, फेरी लगा करके जो अपने सामान बेचते हैं, उनको कहा जाता है आपके असंगठित क्षेत्र के लोग, असंगठित क्षेत्र के में जो है असंगठित रूप से कार्य करने वाले लोग। ठीक, तो असंगठित रूप से जो आपके गुमटी ठेले फेरी लगा करके जो आपके जो अपना जीविकोपार्जन करते हैं, ऐसे परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान किया जाएगा राजीव गांधी स्वावलंबन योजना के अंतर्गत। इस योजना में जो है आपके इन गुमटी ठेले और फेरी लगाने वालों को 30,000 रुपए की राशि एक मुश्त प्रति गुमटी प्रदान की जाएगी, जो कि 100% अनुदान होगा, यानी कि सरकार की तरफ से जो है इसे अनुदान के रूप में प्रदान किया जाएगा। ठीक, अनुदान का मतलब क्या होता है, अगर सरकार किसी व्यक्ति को जो है आर्थिक सहायता के रूप में अनुदान देती है, इसका मतलब क्या होता है कि सरकार ने जो पैसा किसी व्यक्ति को दिया है वो पैसा सरकार वापस नहीं लेगी, पूर्ण रूप से अनुदान है, उसे एक बार एक मुश्त दे दिया जाता है, ये कहलाता है आपका अनुदान, मतलब कि ये 100% अनुदान है। देखिए मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना ये क्या है, शहरी क्षेत्र में रहने वाले युवक युवतियों को स्वरोजगार उपलब्ध कराने हेतु दुकान एवं चबूतरा उपलब्ध कराया जाएगा मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के अंतर्गत। देखिए इसमें भी जो है आपकी सरकार के द्वारा आपकी आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी, ये राज्य सरकार की एक योजना है। इसमें अगर कोई आपकी युवक युवती जो दुकान खोल करके अपना जो है स्वयं का रोजगार स्थापित करना चाहते हैं, या छोटी दुकान खोलना चाहते हैं, या किसी बाजार में अपने चबूतरा में जो चबूतरा, यानी कि अगर आप कहीं पर भी कोई मार्केट गए होंगे, कोई बाजार गए होंगे, तो वहां पर चबूतरा बना रहता है सीमेंट का ऊंचा ऊंचा चबूतरा, जहां पर जो है बैठ करके सब्जी बेचने का कार्य या कोई सामान बेचने का कार्य करते हैं। ठीक, देखिए समझिएगा,
मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना, इस योजना के अंतर्गत सरकार जो है आपके आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। अगर कोई व्यक्ति बड़ी दुकान लगाना चाहता है तो उसे 1.18 लाख यानी कि 1.18 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। कोई व्यक्ति छोटी दुकान लगाना चाहता है तो उसे 98,000 रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। और अगर कोई व्यक्ति किसी बाजार में अपना चबूतरा बनवाना चाहता है तो उसे 6,500 रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। देखिए ध्यान दीजिएगा, इस आपकी योजना के अंतर्गत सरकार जो पैसा मुहैया करा रही है उसमें से 50% जो राशि है वो ऋण के रूप में वो दे रही है और बाकी 50% की राशि जो है ये अनुदान के रूप में। अनुदान का मतलब जैसे कि मैंने बताया, ऐसा पैसा जो सरकार किसी व्यक्ति को देती है और उस पैसे को सरकार व्यक्ति से वापस नहीं लेगी, यानी कि उस वो जो पैसा है वो उस व्यक्ति का ही है तो वो कहलाएगा अनुदान। ऋण का मतलब सरकार ने किसी व्यक्ति को पैसा दिया है इस शर्त पर कि कुछ समय बाद वह पैसा वो व्यक्ति सरकार को वापस लौटाएगा, तो ये कहलाता है ऋण। तो इसमें से जो अगर सरकार किसी व्यक्ति को 1.18 लाख रुपए अगर आपका देती है तो इसमें से आधा पैसा 50% अनुदान के रूप में होगा, बाकी 50% जो है वो लोन यानी कि ऋण के रूप में होगा। इतना डिटेल आपसे पूछेगा नहीं और इससे क्वेश्चन बनते भी नहीं है, लेकिन हाँ मेंस आंसर राइटिंग में अगर नगरीय निकाय से रिलेटेड कोई योजना आता है तो ये आपके मेंस आंसर राइटिंग में काम आएगा। प्री से इससे प्रश्न नहीं पूछे जाते, केवल इसको अभी थोड़ा सा माइंड में इसको रखना है। ये प्रश्न आया हुआ है आपके व्यापम में, प्रश्न पूछा गया था कि राजीव गांधी स्वावलंबन योजना के अंतर्गत प्रति गुमटी कितनी आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, तो वो है आपके 30,000 रुपए प्रति गुमटी। ठीक, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका स्मार्ट मिशन, स्मार्ट सिटी। मिशन स्मार्ट सिटी ये भी आपकी केंद्र सरकार की योजना है, ये प्रारंभ किया गया था आपके 25 जून 2015 को। अब ये स्मार्ट सिटी होता क्या है इसे हम थोड़ा बाद में देखेंगे जब मिशन अमृत पढ़ेंगे। ठीक, अभी बस याद रखिएगा, देखिए मिशन स्मार्ट सिटी, सिटी मतलब होता है शहर और किसी शहर को स्मार्ट बनाना। स्मार्ट बनाना मतलब उसकी मूलभूत जरूरत की जो चीजें एक शहर में होनी चाहिए वो सारी जरूरतें उस शहर में पूरी करना। तो मिशन स्मार्ट सिटी जो प्रारंभ किया गया आपके 25 जून 2015 को, इसके अंतर्गत पूरे भारत भर से जो है आपके 100 शहरों का चयन किया गया, 100 सिटीज, 100 शहरों का चयन किया गया जिसमें हमारे छत्तीसगढ़ के 3 शहर शामिल है, एक है रायपुर, दूसरा है नया रायपुर और तीसरा है बिलासपुर। ठीक है, तो प्रश्न पूछा जाएगा कि मिशन स्मार्ट सिटी के अंतर्गत हमारे प्रदेश के कितने शहर शामिल है, 3, कौन कौन से, रायपुर, नया रायपुर और आपका बिलासपुर। ठीक, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका पौनी पसौरी योजना, काफी इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न बन सकता है। पौनी पसारी योजना ये है क्या, समझिएगा, ये जो योजना है ये नगरीय निकायों से संबंधित है। पहला प्रश्न तो यही बनता है कि पौनी पसारी योजना का संबंध किस क्षेत्र से है, आदिवासी बहुल क्षेत्र से है या फिर आपके नगरीय क्षेत्रों से है, ग्रामीण क्षेत्रों से है या आपके नक्सलवादी क्षेत्रों से है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये आपके नगरीय निकायों से संबंधित है, नगरीय क्षेत्र से संबंधित यह योजना है। इस योजना के अंतर्गत जो है नगरीय निकायों में परंपरागत व्यवसाय को बढ़ावा दिए जाने के उद्देश्य से यह योजना प्रारंभ किया गया। परंपरागत व्यवसाय क्या होते हैं आगे हम देखेंगे, परंपरागत व्यवसाय क्या होता है। देखिए इसका जो विस्तार है ये प्रदेश के 168 नगरीय निकायों में है, ये भी प्रश्न बन सकता है। जब यह योजना प्रारंभ किया गया तो इसका जो विस्तार है ये प्रदेश के 168 नगरीय निकायों में इस योजना का विस्तार किया गया। देखिए लाभार्थी, इस योजना के अंतर्गत स्थानीय परंपरागत व्यवसाय, स्थानीय परंपरागत व्यवसाय जैसे कि आज के डेट में जो आपके जब से आपके स्टील इंडस्ट्रीज आए या आपके नई नई जब से टेक्नोलॉजी आई तब से जो है लोहार आपके बेरोजगार हो गए। लोहा जो आपके लोहा को पीट करके आकार दे करके वस्तु बनाते हैं, आज के डेट में मशीनों में जो है डायरेक्टली किसी स्टील को डाल करके कोई ना कोई आपके बर्तन बनाने, बर्तन या कोई सामान ऑटोमेटिकली जो है मशीनों से बनकर तैयार होते हैं। ये जो आपके जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है उस कारण से जो हाथ से बनाए जाने वाली जो वस्तुएं हैं तो उस रोजगार या उस आपके परंपरागत कार्य में लगे हुए लोग जो है ये आपके बेरोजगार होते जा रहे हैं। तो सरकार जो है इस परंपरागत जो आपके व्यवसाय है उसे बढ़ावा देने के लिए पौनी पसारी योजना प्रारंभ की है। तो परंपरागत व्यवसाय का कौन कौन हो सकते हैं, एक है आपका लुहार जो हाथों से जो है लोहे को आकार देता है, दूसरा बढ़ई यानी कि जो लकड़ी का जो है लकड़ी का कार्य करने वाले, तीसरा है बुनकरी यानी कि हाथ से कपड़े बुनने वाले, उसके बाद है बांस शिल्पकार। तो ऐसे बहुत सारे जो आपके व्यवसायी जो है जो परंपरागत तरीके से अपना व्यवसाय करते आ रहे हैं उन्हें जो है बाजार में शेड युक्त चबूतरा प्रदान किया जाएगा। शेड युक्त चबूतरा मतलब जैसे कि मैंने बताया बाजार में अगर आप जाएंगे तो सीमेंट का एक ऊंचा सा जो है आपका चबूतरा बना रहता है और उसी चबूतरे के ऊपर शेड यानी कि बारिश पानी से बचने के लिए जो है एक शेड लगा दिया जाएगा। ठीक, तो यह है आपका पौनी पसारी योजना और इस योजना के अंतर्गत जो है जितने भी आपके लक्षित जो आपके लोग रहेंगे उसमें से 50% महिलाएं रहेगी। ठीक है, महिलाओं को इस योजना के अंतर्गत 50% आरक्षण दिया गया है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका राजीव गांधी आश्रय योजना। राजीव गांधी आश्रय योजना यह है क्या, समझिएगा। देखिए शहरी गरीबों को जमीन का पट्टा उपलब्ध कराना, जमीन का पट्टा उपलब्ध कराना या मतलब सरकारी जमीन पर
जो आपके शहरों में रहने वाले जो गरीब व्यक्ति है उन्हें सरकारी जमीन पर उन्हें आवास मुहैया कराना लीज पर, पट्टे पर। ठीक, देखिए वर्ष 1984 में जो है आपका पट्टा को वितरित किया गया था, तो वर्ष 1984 में जो पट्टा वितरित किया गया था उसी पट्टे को इस राजीव गांधी आश्रय योजना के अंतर्गत नवीनीकृत किया जा रहा है, उसे रिन्यू किया जा रहा है। 1984 में जो पट्टा वितरित किया गया था उसकी अवधि थी आपकी 30 साल, तो इसकी 30 साल की अवधि जो है काफ़ी पहले ही आपका समाप्त हो चुकी है, तो सरकार इसी वितरित पट्टे का जो है नवीनीकरण कर रही है इस आपके राजीव गांधी आश्रय योजना के माध्यम से। ठीक, देखिए इस योजना के अंतर्गत, राजीव गांधी आश्रय योजना के अंतर्गत 19 नवंबर 2018 तक की स्थिति में नगरीय निकायों में जो निवासरत झुग्गी वासी है उन्हें स्थायी पट्टा प्रदान किया जाएगा। जो पहले आपका जो पट्टा 1984 में जो वितरित किया गया था उसी पट्टा को जो है अब स्थायी रूप से वितरित किया जाएगा। कंडीशन क्या है कि जो आपके नगरीय निकायों में जो निवासरत झुग्गी वासी है वो जो है 19 नवंबर 2018 की स्थिति में उस जमीन पर जो है वो निवासरत है। देखिए वर्ष 1984 काफ़ी पहले का समय है, ठीक है, इसकी अवधि 30 साल थी, ये आपका अवधि समाप्त हो चुका है। कई आपके जो पट्टा की जमीन ऐसी है जो सरकारी जमीन होने के बावजूद जो है लोग इसकी खरीदी बिक्री कर चुके हैं। ठीक है, पट्टा का जमीन जो है ये सरकारी जमीन होता है, इसके बावजूद जो लोग जो है इस सरकारी जमीन की खरीदी बिक्री कर चुके हैं, तो सरकार तो इस पर रोक नहीं लगा सकती, तो उसके लिए उसने एक डेट डिसाइड किया है कि 19 नवंबर 2018 तक की स्थिति पर जो आपके सरकार की जो पट्टा वाली जमीन है उस पट्टे वाली जमीन में जो व्यक्ति निवास कर रहा होगा उसके नाम पर जो है पट्टा दिया जाएगा। तो ये है आपके राजीव गांधी आश्रय योजना। ठीक, नेक्स्ट है आपका मिशन अमृत। मिशन अमृत जो है ये आपके मिशन स्मार्ट सिटी से ही मिलता जुलता है। देखिए इस जो आपका जो अमृत है, अमृत अगर हम फुल फॉर्म देखेंगे तो वो है आपका अटल नवीनीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन। ठीक, ये योजना ही प्रारंभ किया गया था आपका 26 जून 2015 को। इसी मिशन अमृत का एडवांस वर्जन है आपका मिशन स्मार्ट सिटी। देखिए मिशन स्मार्ट सिटी ये भी आपका 25 जून 2015 को प्रारंभ किया गया था। मिशन स्मार्ट सिटी जो है इसके अंतर्गत देश के 100 शहरों का चयन किया गया, जबकि ये जो आपके मिशन अमृत है इस योजना के अंतर्गत 1 लाख से अधिक आबादी वाले 500 शहरों का चयन किया गया। 1 लाख से अधिक आबादी वाले 500 शहरों का चयन किया गया। देखिए ये जो आपका जो मिशन अमृत है ये क्या है, किसी एक जो शहर है, शहर की जो मूलभूत आवश्यकताएं होती है जैसे बिजली आपूर्ति, पेयजल आपूर्ति, परिवहन की सुविधा, साफ सफाई, स्वच्छ जल, तो जो एक मूलभूत आवश्यकताएं होती है, जो आधारभूत आवश्यकताएं होती है वो उस शहर को मुहैया कराना, एक शहर को स्मार्ट सिटी बनाना, स्मार्ट शहर बनाना, ये है आपका मिशन अमृत। और इसी का एडवांस वर्जन है आपका मिशन स्मार्ट सिटी। जैसे कि कोई एक शहर है तो उसमें जल प्रदाय की व्यवस्था रखना, सीवरेज की व्यवस्था रखना। सीवरेज का मतलब आज के डेट में जो है अगर किसी शहर में 24 घंटे पानी गिर गया तो वो पानी पूरा उस शहर में जो है सड़कें डूब जाती है, नालियां भर जाती है, तो स्मार्ट सिटी और मिशन अमृत के माध्यम से ये सारी जो है सीवरेज व्यवस्था जो है उसे जो है सीवरेज व्यवस्था सही तरीके से रखना, मतलब पानी का जमाव ना हो, ठीक है, यानी कि पानी निकासी की जो व्यवस्था है वो सही तरीके से रहे, जो लोगों को जो पेयजल आपूर्ति की जाता है वो टाइम पर हो, बिजली आपूर्ति किया जाए, ये सभी के सभी जो है आपके स्मार्ट सिटी के अंतर्गत ये शामिल है। ठीक, जैसे कि आपके सेफ्टी मैनेजमेंट, उद्यान, हरित स्थल आदि इसके प्रमुख घटक है। ठीक, तो देखिए ये जो आपका मिशन अमृत है इसमें हमारे प्रदेश के 9 नगरीय निकायों को शामिल किया गया है। नगरीय निकाय की बात की जा रही है, देखिए इसमें से जो 5 है, इसमें मैं आपको याद करने का शॉर्टकट बता रहा हूँ, 5 जो है वो आपके 5 जिला मुख्यालय है। जैसे कि सरगुजा संभाग की अगर हम बात करें तो वहाँ पे जो मुख्य शहर है वो है आपका अंबिकापुर। उसके बाद अगर हम बात करें बिलासपुर, ठीक है, बिलासपुर में जो है आपका बिलासपुर संभाग का जो आपका जिला मुख्यालय, अगर बिलासपुर संभाग में मेन है आपका बिलासपुर जिला और बिलासपुर जिला का जिला मुख्यालय है आपका बिलासपुर। तीसरा है आपका रायपुर, रायपुर का जिला मुख्यालय आपका रायपुर। चौथा है दुर्ग, दुर्ग का जिला मुख्यालय दुर्ग। और बस 5वां है आपका बस्तर, बस्तर का जिला मुख्यालय है आपका जगदलपुर। तो ये 5 आपके जिला मुख्यालय हो गए। 6वां है आपका भिलाई, 7वां है राजनांदगांव, 8वां है रायगढ़ और 9वां है आपका कोरबा। तो ये आपके जो 9 नगरीय निकाय है इसे मिशन अमृत के अंतर्गत शामिल किया गया है। ये भी आया हुआ प्रश्न है कि मिशन अमृत के अंतर्गत हमारे प्रदेश के कितने नगरीय निकायों को शामिल किया गया है, तो वो है आपका 9। ठीक, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालय। मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालय ये हमारे प्रदेश की राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ की गई योजना है। इसे प्रारंभ किया गया आपके 2 अक्टूबर 2019 को। ये जो आपका योजना है ये मुख्यमंत्री जन चौपाल के तर्ज पर इस आपके कार्यक्रम को, मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालय को जो है प्रारंभ किया गया। देखिए अभी तो वर्तमान में आपकी कांग्रेस की सरकार है, इससे पहले आपकी बीजेपी की सरकार
थी, जो जब बीजेपी की सरकार थी तो वो समय समय पर आपके मुख्यमंत्री जन चौपाल का आयोजन करती थी। जन चौपाल का मतलब जो आम नागरिक जो है वो डायरेक्टली मुख्यमंत्री से रूबरू होकर के अपनी समस्याओं का जो है अपनी समस्याओं को मुख्यमंत्री के सामने रख सके। तो जो आपके मुख्यमंत्री का जो आपका निवास था उस मुख्यमंत्री के निवास में जन चौपाल का आपका आयोजन किया जाता था। तो उसी मुख्यमंत्री जन चौपाल के तर्ज पर जो है प्रारंभ किया गया मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालय। देखिए हमारे छत्तीसगढ़ में टोटल वर्तमान में 28 जिले हैं, तो 28 जिले के 28 जिले से जो आपके लोग हैं हर कोई रायपुर में मुख्यमंत्री आवास में नहीं पहुंच सकता। तो इसके लिए हमारे प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालय, जहां पर हर एक आपके शहर में हर एक नगरीय निकाय में हर कुछ वार्डों को मिला करके एक मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालय बनाया जाएगा। तो अपने क्षेत्र के मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालय में जाकर के लोग अपनी समस्याओं को वहां पर जाकर के बता सकते हैं। समस्याएं किस प्रकार की समस्या है, यानी कि हमारे जो एरिया है उसमें आपके प्रॉपर बिजली की सप्लाई नहीं हो रही, हमारे एरिया का जो सड़क व्यवस्था वो सही नहीं है, हमारे जो एरिया है वहां पर साफ सफाई सही नहीं है, हमारे क्षेत्र में जो है आपका जो सरकारी भवन है वो सही नहीं है, तो इस प्रकार की जो आपके जो जनहित की जो आपकी समस्याएं हैं वो जाकर के अपने मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालय में रखा जा सकता है। तो देखिए इसका क्राइटेरिया क्या है, अगर ऐसे शहर जिसकी आबादी 3 लाख से अधिक, 3 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में जो आपके 2 वार्डों को मिला करके एक कार्यालय की स्थापना की जाएगी, ठीक है, ऐसे शहर जिसकी आबादी 3 लाख से अधिक है तो उसमें 2 वार्डों को मिला करके एक कार्यालय का स्थापना किया जाएगा, और ऐसे शहर जिनकी आबादी 2 से 3 लाख के मध्य है तो वहां पे 3 वार्डों को मिला करके एक मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालय की स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना, ये प्रारंभ हुआ था आपके 25 जून 2015 को यह आपके प्रधानमंत्री आवास योजना प्रारंभ किया गया। इसका उद्देश्य क्या था, शहरी क्षेत्रों में रहने वाले कमजोर निम्न एवं मध्यम आय वर्ग के गरीब परिवार को स्वयं का पक्का मकान निर्माण हेतु ऋण उपलब्ध कराना, यानी कि शहरी क्षेत्र में जो गरीब लोग रहते हैं, जो कमजोर वर्ग है, जिनका आय निम्न है, निम्न और मध्यम आय वर्ग के लोग हैं, उन्हें शहरी क्षेत्रों में स्वयं का पक्का मकान निर्माण हेतु ऋण उपलब्ध कराना, यह उद्देश्य है आपके मुख्यमंत्री आवास योजना, शहरी आवास योजना का। इस योजना का जो है लक्ष्य निर्धारित किया गया है आपका वर्ष 2022 यानी कि वर्ष 2022 तक शहरी क्षेत्रों में रहने वाले हर एक व्यक्ति के पास उसका स्वयं का अपना मकान होना चाहिए, यह इस आपका योजना का लक्ष्य है। हमारे प्रदेश में जो आपके मुख्यमंत्री आवास योजना है इसके 2 घटक है, एक है मोर जमीन मोर मकान और दूसरा है मोर जमीन मोर चिन्हारी। देखिए शहरी क्षेत्रों में रहने वाले ऐसे लोग जिनके पास स्वयं की भूमि तो है लेकिन उस भूमि पर उनका घर नहीं है, तो स्वयं की भूमि पर आवास निर्माण के लिए जो है आपका मोर जमीन मोर मकान के नाम से हमारे प्रदेश सरकार के द्वारा एक घटक के रूप में एक योजना के रूप में इसे चलाया जा रहा है। दूसरा है मोर जमीन मोर चिन्हारी, इसमें क्या है झुग्गी बस्तियों में रहने वाले यानी कि झुग्गी गंदी बस्ती में रहने वाले लोग जो है उन्हें उनके स्थान से व्यवस्थापित किया जाएगा। व्यवस्थापित किया जाएगा मतलब उन्हें उस बस्तियों से हटा करके सरकार जो है आपके बहुत सारे मकान बना करके उन मकानों पर इन्हें मतलब वो मकान जो है इन्हें अलॉट करेगी, ठीक। देखिए जो मोर जमीन मोर मकान है इसके अंतर्गत सरकार जो है उस व्यक्ति के स्वयं के जमीन पर आवास का यानी कि स्वयं की जमीन पर उसे घर बनाने के लिए ऋण उपलब्ध कराएगी, जबकि मोर जमीन मोर चिन्हारी जो योजना है इसके अंतर्गत सरकार क्या करेगी, जो व्यक्ति झुग्गी बस्तियों में रह रहे हैं उनके लिए किसी दूसरे एरिया पर मकान बना करके इन झुग्गी बस्ती के लोगों को वो मकान अलॉट करेगी। तो ये है आपके प्रधानमंत्री आवास योजना, ठीक है, तो इसको थोड़ा ध्यान से कीजिएगा। आज के इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है, मैक्सिमम ये जो आपके पोर्शन जो है ये मेंस में पूछे जाते हैं, इसमें कुछ कुछ पोर्शन इंपॉर्टेंट है, जैसे 30,000 आया हुआ प्रश्न है, स्मार्ट सिटी के अंतर्गत कौन कौन से शहर शामिल है ये पूछा जा सकता है, अमृत मिशन के अंदर कितने नगरीय निकाय शामिल है ये पूछा जा सकता है, केवल इतने ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। बाकी आपका प्रधानमंत्री आवास जो शहरी आवास योजना है इसका लक्ष्य कब निर्धारित किया गया है वर्ष 2022, केवल ये बस आपके फैक्ट बन सकते हैं, बाकी ये जो आपके जनगणना वाला जो आंकड़ा है ये तो हमेशा आपका इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक। बाकी जो जितनी भी योजनाएं जो है इसका उद्देश्य जो है ये सभी के सभी आपके मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, किसी प्रकार डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, धन्यवाद।